तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के न्यू सिलेबस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जिन जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा आने वाले दिनों में लगी है, बीए फर्स्ट ईयर के हैं यानी बीए प्रथम वर्ष के हैं, सेमेस्टर उनका प्रथम है, पहला सेमेस्टर है, तो उनको कंप्लीट वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उनको पता चलेगा कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है और आपके परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स से आएंगे, ये आपको जानकारी मिलेगी और वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए फर्स्ट ईयर है, सेमेस्टर फर्स्ट है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये इंग्लिश में है, ठीक है, लेकिन इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें और आप भी अच्छे से समझ सकें। ये पूरा का पूरा सिलेबस 8 यूनिट यानी कि 8 चैप्टर में डिवाइड है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट 8 चैप्टर, 8 यानी चैप्टर बोले चाहे टॉपिक्स बोले या फिर यूनिट बोले, सब एक ही है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा 8 यूनिट टॉपिक्स चैप्टर में डिवाइड है और पूरा पूरा इंग्लिश में है। आप लोग पढ़ सकते हैं, इंग्लिश समझते हैं, तो हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया इसलिए हम हिंदी में देखेंगे। तो पहला यूनिट है, इसमें जानते हैं कि कौन कौन से आपकी परीक्षा में टॉपिक्स बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, और कई बार प्रश्न आ भी चुके हैं यहाँ से। तो पहला यूनिट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन्म, विकास और राजनीतिक रुझान के बारे में बताइए। यानी कि भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए, तो उन आंदोलन का जन्म कब हुआ और उनका विकास कैसे कैसे हुआ। मतलब कि आंदोलन का विकास का मतलब ये हुआ गया कि मान लीजिए किसी भी कारण के वजह से आंदोलन किया जा रहा है, ठीक है, तो और भी बहुत सारे आंदोलन किए जाने लगे, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग समस्याओं के लिए। और यहाँ पर एक और मतलब हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कि जब किसी चीज़ का विरोध किया जाता है, फिर किसी चीज़ का आंदोलन किया जाता है, कोई डिमांड की जाती है, तब वो चीज़ पूरी होती है तो धीरे धीरे और भी अच्छे तरीके से वो पूर्ति होती है, तब उसको हम कहते हैं, ठीक है, विकास। और राजनीतिक रुझान यानी कि राजनीतिक हित में बहुत सारे रुझान भी आते हैं। तो राजनीतिक रुझान का मतलब हो गया, अगर पॉलिटिक क्षेत्र से हैं तो किसी के प्रति झुकान होना, लगाव होना, रुचि होना। ठीक है, बोलते नहीं कि इस बच्चे का या फिर इस स्टूडेंट का या फिर इस लीडर का राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा रुझान है, यानी कि रुचि है, इंटरेस्ट है उसके प्रति, वो रुचि ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, उसका झुकाव है उसके प्रति, तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत सारे हुए हैं और उन आंदोलन से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे विकास हुआ और राजनीतिक रुझान, ये सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, अब अगला यूनिट है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे संवैधानिक विकास के चरण, संविधान का निर्माण, विधानसभा, भारतीय संविधान का दर्शन, नागरिकता। ठीक है, तो संवैधानिक विकास का मतलब होता है, ध्यान सुन लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है। संवैधानिक विकास, यहाँ क्वेश्चन बनेगा संवैधानिक विकास के बारे में बताइए, संवैधानिक विकास किसे कहते हैं, फिर संवैधानिक विकास के चरण बताइए। तो यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन इस प्रकार समझिए, संवैधानिक विकास वो होता है समय के साथ साथ। संवैधानिक विकास का तात्पर्य है कि समय के साथ साथ किसी भी देश के, यानी कोई भी देश हो, उस देश के संविधान के ऐतिहासिक विकास और परिवर्तन को हम लोग संवैधानिक विकास कहेंगे। ठीक है, समय के साथ साथ जो ऐतिहासिक विकास हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे संवैधानिक विकास। ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के निर्माण में कितने समय लगा। ठीक है, संविधान के निर्माण में बहुत सारे अलग अलग अनुच्छेद बनाए गए हैं, तो उनके से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद विधानसभा आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है भारतीय संविधान का दर्शन, यानी कि हमारे देश का जो संविधान है उसके बारे में जानकारी। नागरिकता, आपके पास नागरिकता में आप लोग स्वतंत्रता है, आप लोग फ्रीडम है, ठीक है, आप लोग पूरी तरह से कोई कार्य कर सकते हैं। नागरिकता मतलब किसी भी देश की, मतलब कि आपको आपकी आइडेंटिटी, नागरिकता। ठीक है, तो नागरिकता से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से बनेंगे सेकेंड यूनिट फीडर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से समझ गए होंगे आप लोग, थोड़ा बेसिक जानकारी तो मिल गई होगी। 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो देखने से कुछ भी चीज़ आपको कुछ ही परसेंट में समझ में आती है, वरना एक ही बार में आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी, तो सब लोग एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले पढ़ के चले जाएँ और तैयारी करके और एग्ज़ाम दे आएँ। ठीक है,
तो 6 महीने 1 साल का जो आपका है पूरा का पूरा क्लासेस चलती हैं, जो ये कोर्स होता है या फिर आपका जो ये सिलेबस पढ़ाया जाता है, करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, हर चीज़ आपको एक बार पढ़ने से नहीं आती, वरना हर एक लोग IAS PCS हर लोग एक अच्छे पद पे होते, ठीक है? तो भाई उनको आ ही जाता सब चीज़ पढ़ने से एक ही बार में। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखा करें, ठीक है? और यूनिट नंबर 3 में आ जाएंगे। यूनिट नंबर 3 में आपको मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं ये सभी आप 12वीं क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे और 10th भी क्लास में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं हमारे, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, ये प्रमुख प्रश्न है। या मौलिक अधिकार आएगा, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं, राज्य के निदेशक सिद्धांत नीति के बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो ये तीनों के तीनों जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं ये आपकी परीक्षा के लिए 1101% महत्वपूर्ण है। आज तक ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं पोलिटिकल साइंस जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना है बने हों, और बाकी ये आपको तैयार करना है, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है मौलिक कर्तव्य, ठीक है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है, ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 7 मौलिक अधिकारों के मतलब 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे जैसे कि समानता का अधिकार हो गया, ठीक है, ठीक है, धर्म का अधिकार हो गया, ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ठीक है, और किसी भी मान लीजिए कि धर्म में आप प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ में शिक्षण संबंधी अधिकार, आप लोग कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सांस्कृत और संवैधानिक अधिकार, ये कुछ प्रमुख अधिकार हैं, 7 हैं, जिनको आपको हम आने वाले क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी बेसिक जानकारी ले लीजिए, ठीक है। अब आ गया मौलिक कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, तो 7 मौलिक अधिकार हो गए, अब जान लेते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सिलेबस का, ठीक है। तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत हमारे देश में जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको फॉलो करना, उनका आपको कर्तव्य का पालन करना होता है, ठीक है। कुछ नियम कानून बताए गए हैं कि जैसे झंडा का सम्मान करना, कहीं पर राष्ट्रगान हो रहा तो उसका सम्मान करना, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ कर्तव्य जो देश में कुछ आपको देश में अगर रह रहे हैं, देश के प्रति आपका कोई किसी भी प्रकार से प्रेम है, ठीक है, तो आपको कुछ कर्तव्य बनाए गए हैं जिनको आपको जो रूल्स बनाए गए हैं नियम कानून उनको फॉलो करना पड़ेगा, वही ठीक है मौलिक कर्तव्य में आ जाएंगे 11 टोटल, ठीक है। ठीक है, ये दोनों पोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि परीक्षा में फंसेंगे। राज्य के निदेशक तंत्र सिद्धांत के बारे में भी आ सकता है प्रश्न, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 4th नंबर यूनिट में आपको मौलिक अधिकार के बारे में मैंने बता दिया, वो प्रश्न आएंगे, ठीक है। और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष का इतिहास बताइए, मतलब कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच आपको जो स्ट्रगल हुआ है उसके पूरे इतिहास के बारे में बताना है। संशोधन की प्रक्रिया बताइए, यानी कि संविधान में बहुत सारे समय समय पर संशोधन किए गए हैं, तो संशोधन कब किया जा सकते हैं उनके बारे में लिखना है। और संविधान की मूल संरचना, यानी कि जो संविधान हमारे देश का है उसके जो स्ट्रक्चर है, मूल सिद्धांत का मूल संरचना मतलब कि स्ट्रक्चर, जैसे किसी चीज़ का घर का बनाना तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, पहले, या फिर किसी चीज़ का आप लोग कुछ पढ़ने जाते तो उसका स्ट्रक्चर बना लेते तो अच्छे समझ में आता, उसी तरह संविधान का मूल संरचना जो है उसके बारे में लिखना है, ठीक है, ये भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएंगे हम यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में आपको संघ कार्यपालिका एवं संघ विधायिका, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष, यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, यानी कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले आ सकता है संघ कार्यपालिका के बारे में बताइए, फिर हो सकता है संघ विधायिका के बारे में बताइए, ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है, राष्ट्रपति के पावर बताइए यानी कि शक्तियाँ बताइए, ठीक, उसी तरह मंत्रिमंडल जो होता है उसमें कितने मंत्री होते हैं, ठीक है, इसका गठन कैसे होता है, ठीक है, उसमें मुख्य मुखिया कौन होता है मंत्रिमंडल का, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री से बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री के पावर क्या क्या होते हैं, ठीक है। अगला है कि लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस बताइए, लोकसभा के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, राज्यसभा के पास क्या क्या सभ्यता होती है, लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक किसके पास पावर होता है, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न राज्यसभा और लोकसभा फीड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके। लोकसभा राज्यसभा को आदेश देता है या फिर किस प्रकार इन दोनों में शक्तियों का विभाजन किया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपको ध्यान रखना है जहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। यूनिट नंबर 6 में आपको राज्य
कार्यकारिणी एवं विधान मंडल शक्तियाँ, यानी कि राज्य कार्यकारिणी एवं विधान मंडल के पावर्स क्या क्या हैं, इनके कार्य क्या क्या होते हैं, इनके शक्तियाँ मतलब क्या क्या ये कर सकते हैं, पावर क्या क्या इनके पास है, ठीक है, ये किस चीज़ को मतलब कि अपना पावर सकते हैं और क्या क्या करा सकते हैं, ठीक है, और इनको क्या क्या कार्य सौंपे गए हैं, ये आपको राज्यपाल जो होता है एवं प्रमुख के बीच संबंध बताइए, मतलब कि राज्यकारिणी और विधानमंडल के कार्य और शक्तियाँ लिखना है, और राज्यपाल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपाल की नियुक्त कैसे होती है, राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल के पास शक्तियाँ बताइए, शक्तियाँ कौन कौन से हैं, राज्यपाल के कार्य बताइए, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे ठीक है, राज्यपाल से जुड़े। उसके बाद मंत्री यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, इनसे भी जुड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेना, सिंपल सा प्रश्न है। उसके बाद आ जाएंगे यूनिट नंबर 7 में, यूनिट नंबर 7 में आपको न्यायपालिका यानी कि जो न्याय करता है, ठीक है, जिसको आप लोग कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, न्याय, जस्टिस, तो न्यायपालिका में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जिसको आप लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के पास पावर क्या क्या है, उसका सिलेक्शन क्या क्या कैसे किया जाता है, नियुक्ति कैसे की जाती है, उसके पास उसके कार्य क्या क्या होते हैं, उसके पास पावर क्या क्या होते हैं, ठीक है, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो जज होता है, इसी तरह उच्च न्यायालय के बारे में आपको लिखना है कि उच्च न्यायालय कहाँ पर होता है, ठीक है, और उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, उसके पास पावर क्या क्या है, उसके कार्य क्या क्या है, इसी तरह जिले की संरचना यानी कि जिले में भी आप लोगों के एक कोर्ट होता है, कोई फैसले होते हैं तो उसमें भी लिए जाते हैं, तो उसकी संरचना के बारे में लिखना और उसका पावर क्या क्या है, उसके क्षेत्राधिकार कहाँ मतलब उसका अधिकार कहाँ कहाँ तक रहता है, ठीक है, इन फील्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 8 नंबर यूनिट में आ जाएंगे यानी कि लास्ट यूनिट में, तो केंद्र राज्य के बीच संबंध बताइए यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच आपको संबंध लिखना है, प्रशासनिक, विधायी और वित्तियाँ विशेष, ये क्वेश्चन विधायी और वित्तियाँ इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, जनजातियों क्षेत्रों और पूर्वोत्तर के लिए प्रावधान क्या क्या है, मतलब कि जहाँ पर जनजातियों लोग रहते हैं और जहाँ पर आम जनता रहती नॉर्मली उन क्षेत्रों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये आपको लिखना है, इनकी संरचना कैसे हुई, इनके कार्य क्या क्या हैं, इनके पास पावर क्या है, और निर्वाचन आयोग जो कि आपका इलेक्शन कराता है, ठीक है, तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कौन होता है और निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं, निर्वाचन आयोग से जुड़े क्वेश्चन आपको एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे जो वोट कराता है, ठीक है, यानी कि जो इलेक्शन होते हैं, तो इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में इन टॉपिक्स से पूछे जाएंगे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो हर एक टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। बाकी मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि मन लगा के पढ़ाई करिए, बाकी हम आप लोगों के लिए पूरी तरह सपोर्टिव हैं, अभी हम आप लोगों को सिलेबस और टॉपिक्स कवर करा रहे हैं, आने वाले दिनों में एक एक टॉपिक्स के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन आंसर क्लास चलाएंगे, फिर महासंग्राम वीडियो आएगी, फिर महासंग्राम रिवीजन वीडियो आएगी, फिर मॉडल पेपर भी आप लोगों को सॉल्व करा देंगे, तो कुल मिला के सारी कंप्लीट जानकारी इस आपके अपने चैनल सक्सेस टू पे मिलेगी, तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी प्रकार की नोटिफिकेशन, सभी प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका अपना चैनल यस टी यू यानी कि सक्सेस टू यू है, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जय हिंद।